हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। सो हमने जो है हम अपने फूड और डाइजेशन वाला लेसन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना कि हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे बॉडी के लिए वो कैसे ज़रूरी होते हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि खाने को पकाना क्यों ज़रूरी है, हम कच्चा खाना क्यों नहीं खा सकते हैं। ठीक है, सो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुकिंग द फूड। फूड को जो है कैसे कुक करना चाहिए, ठीक है, और जो है कैसे जो है हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कभी कच्चे चावल खाते हो या दाल खाते हो तो मम्मा आपको डांटते हैं कि नहीं, कच्चे नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, मम्मा आपको रोज अच्छा अच्छा खाना प्रॉपर पका करके गैस पे तब देते हैं, है ना? ऐसा क्यों, आज हम वो जानेंगे। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। जब हम खाने को पका लेते हैं, जब हम खाने को जो है पकाते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या होता है, खाना या एक तो टेस्टी बन जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, स्वाद लगता है खाने में, नरम हो जाता है और हमारा शरीर उसे आराम से पचा पाता है। ठीक है, अगर जो है हम कच्चा खाना खाएंगे, अब आप सोचिए मम्मा अगर आपको किसी दिन खाने में क्या करे, दाल जो है सिंपल बाजार से लाएं और जो है सिर्फ ऐसे दाल रख दें और बोले कच्ची सब्जी आपकी थाली में रख दें, आटा रख दें है और बोले खा लो, तो हम तो नहीं खा पाएंगे। एक तो वो इतना सख्त होता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, खाने को पकाने से क्या होता है, उसके अंदर जो जो है जर्म्स होते हैं, जो कीड़े कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स। जो खाना पक जब खाना पकता है तो वो खाने के कीटाणुओं को खत्म कर देता है। डिफरेंट फूड्स आर कुक्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग तरीके से जो है पकाया जाता है। जैसे कि जो है कुछ हम बॉइल्ड फूड खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डाइटिंग कर रहे होते हैं वो सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं। अब जैसे जो है अगर हमें कचौड़ी पकौड़ी खाने का मन होता है तो हम उसे तल के खाते हैं। ठीक है, कुछ खाने को रोस्ट किया जाता है, मतलब सिर्फ जो है हल्का सा भूना जाता है। किसी खाने को अब जैसे पिज्जा खाते हैं तो उसे बेक किया जाता है, किसी इडली बनाते हो तो उसे स्टीम किया जाता है। अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग तरीके से खाया जाता है। सम टिप्स वाइल कुकिंग। हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए खाना बनाते वक्त। टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स वाइल कुकिंग वी मस्ट रिमेम्बर द फॉलोइंग टिप्स। जब भी हम खाने को पकाते हैं तो अगर हम खाने को ठीक से ना पकाएं या फिर जो है हम खाना पकाते हुए कुछ जरूरी बातों का ध्यान ना रखें तो क्या होता है, खाने के अंदर जो ये जरूरी चीजें होती हैं, खाने के कीड़े तो मरते ही मरते ये जरूरी चीजें भी मर जाती हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। द वॉटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, सो इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे, इट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग। आप देखिए कई बार हम क्या करते हैं, हम दालों को रात भर भिगो के रखते हैं, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं जो है अगर गंदा पानी, वो पानी गंदा तो होता नहीं है, उसके अंदर जो है जो दाल होती है उसके कण आ जाते हैं, बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो हमें उसी पानी को जो है कुकिंग में यूज करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग, एज वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ दी विटामिन एंड मिनरल्स। हमें हमेशा सब्जियों को छीलने और काटने से पहले धोना चाहिए। अगर हम उसे छीलने और काटने के बाद धोते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सब्जी होती है उसके विटामिन और मिनरल्स उसमें से धुलकर निकल जाते हैं। डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई फूड, इट डिस्ट्रॉय दी न्यूट्रिएंट्स। खाने को बहुत ज्यादा पकाने से और उसे बहुत ज्यादा तलने से क्या होता है, उसके सारे पोषक तत्व जो जरूरी चीजें होती हैं खाने के अंदर वो खत्म हो जाती हैं। यूज ऑफ टू मच स्पाइसेस आल्सो डिक्रीज द फूड वैल्यू। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला डालने से भी क्या होता है,
खाना जो है खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब खाने के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम फूड को बचा करके कैसे रख सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को जो है कैसे लंबे समय तक रोक के रखा जा सकता है, खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? जब खाने को बहुत लंबे समय तक हमें रखना होता है। बहुत कुक्ड और अनकुक्ड फूड्स कैन बी प्रिजर्व। पकाया हुआ खाना आपने देखा होगा घर में, मम्मी जो है जब कभी खाना बच जाता है तो उसे भी फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में और भी सब्जियां होती हैं, कच्ची सब्जी हो गई और तरीके की सब्जी हो गई, अलग अलग तरीके की सब्जियां और भी होती हैं। तो दोनों को जो है हम रोक करके रखते हैं, कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड। जो पका हुआ खाना होता है वो भी, और जो बिना पका हुआ खाना होता है वो भी। टू प्रिजर्व फूड वी जनरली, तो खाने को जो है बचा कर रखने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज इट एज एन आइसक्रीम और कस्टर्ड। हम क्या करते हैं, हम खाने को फ्रीज में रख देते हैं ताकि खाना जो है खराब ना हो। ए कैन कैन इट एज अ टिंड फूड। हम जो है कई लोग क्या करते हैं, खाने को केन्स में बंद कर देते हैं। हम मार्केट से जो खाना लेके आते हो, मार्केट से जो है जब हम खाना लाते हैं तो केन्स में आता है वो खाना, जो आपने देखे होगा ना, जिसमें जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या फिर ये सब चीजें, वो तो कैन आती हैं उनकी, तो उससे भी वो उसमें वो क्या करते हैं, वो खाने को रोक करके रख देते हैं। सॉल्ट इट एज इन पिकल्स। जो है हम खाने में, अब जैसे बाजार से अगर हम अचार लेके आते हैं तो उनमें आपने देखा होगा नमक बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें उस जो है पिकल को बचा करके रखना होता है। स्वीटन इट एज इन जैम्स जेली और चटनी। जब आप मार्केट से जैम लेके आते हो, जेली लेके आते हो, चटनी लेके आते हो, कई कई दिन पहले बनी हुई होती है, तो उसमें जो है मीठे की मात्रा ज्यादा कर दी जाती है ताकि वो कई दिन तक रुक जाए। ऑयल इट एज इन पिकल्स। आप जो घर में अचार डालते हैं, मम्मी आपने देखा होगा जब मम्मी घर में अचार डालते हैं तो अचार की बरनी को बिल्कुल तेल से ऊपर तक भर देते हैं, लबालब एकदम अचार उसके अंदर डूबा रहना चाहिए। मम्मी जब आप अचार लेते भी हो तो भी बोलती है कि अचार को ठीक से करना ताकि जो है तेल ऊपर तैरे अचार के। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल भी क्या करता है, अचार को बचा करके रखता है लंबे समय तक। डिहाइड्रेटेड आइदर रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड। फूड थस प्रिजर्व लास्ट लॉन्गर। कई फूड ऐसे होते हैं जैसे कि जिनमें से जो है पानी बिल्कुल निकाल दिया जाता है, जैसे मार्केट से सूखा दूध हम लेकर के आते हैं, ठीक है, ताकि पानी नहीं होता है तो खाना खराब नहीं होता है जल्दी से। इस तरीके से हम खाने को बचा करके रख सकते हैं लंबे समय तक। अब बात करते हैं हमारा शरीर हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा कैसे जो है खाना डाइजेस्ट होता है। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टिव डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन आर बॉडी। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे खाना पचाने वाले ऑर्गन से डाइजेस्ट किया जाता है। द न्यूट्रिएंट इन आर फूड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो भी जरूरी चीजें हमारे खाने के अंदर होती है, जो भी पोषक तत्व हमने पहले पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, सब कुछ जो होता है हमारे खाने के अंदर, उनको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो छोटे 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 पार्ट्स में, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और उसमें उनको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है ताकि वो पूरे शरीर में उन्हें भेज सके, ठीक है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो वो खाने को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया है और फिर उसके बाद उसमें से जरूरी पोषक तत्व सोख लेने की जो जो प्रक्रिया होती है, जैसे वो करता है हमारा शरीर, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं।
मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन इन आर बॉडी, हमारे शरीर में जो मेन जो है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जिनसे हमारी बॉडी में सब चीजें डाइजेस्ट होती हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारा मुंह, हमारा फूड पाइप जहाँ से हमारा खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, स्टमक, हमारा पेट, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर एंड एनस। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, हमारा मुंह, हमारा फूड पाइप, हमारा पेट, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी पैनक्रियाज, उसके बाद हमारा गॉल ब्लैडर एंड एनस। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हमारे शरीर में डाइजेशन होता कैसे है? मैम आपने ये तो बता दिया कि ये सब चीजें डाइजेशन में काम करती हैं, लेकिन कैसे कैसे करती हैं अब हम वो जानेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन आर माउथ। देखिए, हमारे फूड के जो पचाने की प्रक्रिया होती है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं, द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपना खाना मुंह में लेते हो हाथों से और फिर दांतों से चबाते हो, तो आपका खाना क्या होता है, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है। दी साल्विया गेट्स मिक्स्ड विद दीज पार्टिकल्स। साल्विया क्या होता है? सलाइवा, सॉरी। दी सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद दीज पार्टिकल्स। सो सलाइवा क्या होता है? जो हमारी लार होती है, आपने देखा होगा मुंह में हमारे लार रहती है, वो लार क्या होती है, उसको सलाइवा बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जो हमारा खाना होता है उसके साथ मिल जाती है। सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग दी स्टार्च इंटू शुगर। जो हमारा सलाइवा होता है वो क्या करता है, जो हमारे खाने में स्टार्च होता है, जो भी स्टार्च होता है उसको क्या करता है, हमारे खाने को शुगर में बदलता जाता है। द फूड गोज थ्रू दी फूड पाइप और ऑजियोफेगस एंड पास टू दी स्टमक। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ मुंह में खाना खाया, ठीक है, यहाँ पे दांतों ने उसको चबाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका खाना फूड पाइप से अंदर आ गया। इसको क्या बुलाते हैं, फूड पाइप और ऑजियोफेगस। ठीक है, यहाँ से खाना कहाँ पहुंच जाता है हमारे, ये देखिए ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ये ऑजियोफेगस, ये यहाँ स्टमक में कनेक्टेड है। ये क्या है, हमारा स्टमक है। ठीक है, दी स्टमक विथ इट्स मूवमेंट्स ब्रेक द न्यूट्रिएंट्स इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय एडिंग जूसेस एंड पासेस दिस इनटू द इंटेस्टाइन। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टमक होता है वो हमारे खाने को और छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, और उसके अंदर जो है बहुत सारे जूसेस जो है मिला देता है। हमारे पेट के अंदर कुछ जूसेस होते हैं तो वो जो है उसमें मिला देता है, और फिर क्या करता है, उसको इंटेस्टाइन में पास कर देता है। ठीक है, यहां से फिर होते हुए हमारा खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के पास। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन दी स्टमक। हमारे खाने में जो भी प्रोटीन होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, वो पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है इंटेस्टाइन के पास नहीं जाता है। ठीक है, द फूड इन द स्टमक बिकम्स लाइक अ थिक सूप एंड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमारा खाना पेट में होता है, उसमें से प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो क्या होता है, हमारा खाना ऐसा हो जाता है जैसे आपने टमाटर का सूप पिया होगा कभी, टमाटर के सूप के जैसा मोटा थिक हो जाता है। ठीक है, और फिर उसको कहाँ पर डाल दिया जाता है, पेट उसको क्या करता है, ये वाली जो इंटेस्टाइन है ना, येलो कलर की ये वाली,
इसको दे देता है। फिर वो अपना प्रोटीन निकाल लेता है पेट और खाने को एकदम सूप की तरह बना देता है, उसको घोल देता है, जूसेस में घोल देता है एकदम, ठीक है। और क्या करता है फिर उसे किसको दे देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि भी अब मैं थक गया, अब आप काम करो, ठीक है। दी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। देखो लॉन्ग कॉइल के जैसे, आपने घर में देखी होगी ना कॉइल जलाते हैं जो है मच्छर भगाने के लिए, ऐसे गोल 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 ऐसी टेढ़ी मेढ़ी एकदम ऐसी होती है ये इंटेस्टाइन। दी लीवर एंड पेनक्रियास पास देयर जूसेस इनटू दी इंटेस्टाइन विच हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, लीवर और पेनक्रिया, ये हमारी पेनक्रिया है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा लीवर। ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे जूसेस देते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिससे क्या होता है हमारा खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स आराम से निकल जाते हैं। द लीवर सिक्रीट बाइल दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। लीवर के अंदर से कौन सा जूस आता है, बाइल नाम का जूस आता है। वो क्या करता है, वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में, जो हमने फैट्स पढ़े थे घी तेल मक्खन, इन सबको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। द सिंपलर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज मिक्स्ड विद ब्लड। अब यहाँ से जो हमारी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये क्या करती है, ये खाने से सारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाटर, रफेज, विटामिन मिनरल सबको सोख लेती है, ठीक है, और उन्हें हमारे खून में मिला देती है, ठीक है। दी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड इज पास टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू दी ब्लड वेसल। अब ये जो हमारे खाने में जो जो हमारे खून में ये सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब चीजें जब मिल जाती हैं, तो उस जो जो हमारा वो जो खून होता है उसको पूरी शरीर में दे दिया जाता है, कि भाई ये लीजिए हमने जो है अपना काम कर दिया, आप जो है ये जो ब्लड इस पूरे शरीर में घूमेगा, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी सारे ऑर्गन्स को। दी अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी बचा हुआ ऐसा खाना जिसको हमारी बॉडी नहीं पचा पा रही है, वो कहाँ चला जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए ये वाला जो ये इंटेस्टाइन है ना, ये वाला इसमें चली जाता है, ठीक है। दी ब्लड वेसल्स इन दी वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब दी एक्स्ट्रा वाटर एंड कैरी इट टू दी किडनीज। अब इसकी जो नसें होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, वो जो बचा हुआ हमारा खाना होता है उसमें से जो पानी होता है वो सारे को सोख लेती हैं और किडनीज को हमारे भेज देती हैं। दी सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम दी एनस। अब एनस क्या होता है, नीचे का आपका जो पार्ट होता है, ये एनस है। जब जो है जो जो बचा हुआ जो बिल्कुल वेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसे एनस को देती है और वो जो है वॉशरूम के थ्रू बाहर उसे निकाल देता है एनस, ठीक है। फॉर प्रॉपर डाइजेशन फॉलो दी हेल्दी हैबिट्स मेंशन बिलो। हमें अच्छे डाइजेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, टेक फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, समय समय पर, जो है बहुत ज्यादा गैप लेकर नहीं, समय समय पर हमें थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। डू नॉट स्वेलो फूड विदाउट च्यूइंग। हमें खाने को सीधा नहीं सटकना चाहिए, उसे चबाना चाहिए अच्छे से। च्यू फॉर फूड प्रॉपरली, इट विल हेल्प इन डाइजेशन। हमें खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, इससे क्या होता है हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। हैव अ बैलेंस डाइट, हमें अच्छा खाना लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें जो है सारी चीजें होती हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इंक्लूड रफेज एंड फ्रूट्स इन इन दी डाइट, हमें जो है रफेज हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब अपनी डाइट में रखना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, हमेशा सुबह जो है वॉशरूम जाना ही जाना चाहिए। ओके
ओके क्लास, तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 5, ये कंप्लीट हो गया है. ओके okay?